एमपी में अविवादित नामांतरण प्रकरणों के निपटारे के लिए साइबर तहसीलों का विस्तार किया जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा लाभ किसानों और ग्रामीणों को होगा। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा, दतिया और डिंडोरी के बाद पूरे मध्य प्रदेश में साइबर तहसीलें काम करना शुरू कर देंगी। नामांतरण प्रकरणों को लेकर ग्रामीण और खासकर किसान सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में साइबर तहसील से सबसे ज्यादा लाभ किसानों और ग्रामीणों को ही होगा। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा, अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निपटारे के लिए साइबर तहसीलों का विस्तार किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन से विवादित नामांतरण बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण हो सकेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दतिया और डिंडोरी जिलों में साइबर तहसील की शुरुआत की गई है। बेहतर परिणाम आने के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की शुरुआत होगी। एमपी देश का पहला राज्य है जहाँ साइबर तहसील से काम हो रहा है। साइबर तहसील पूरे देश में, मध्य प्रदेश में पहला नवाचार हमारी सरकार ने किया है और इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट हमने दतिया और डिंडोरी में इसको शुरू किया था सीहोर में। उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब हम सेकेंड पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर को ले रहे हैं। इनमें भी हम साइबर तहसील की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी अविवादित नामांतरण हैं, जिनमें कोई विवाद नहीं होता, उन अविवादित नामांतरणों को की पेशी उनको सुलझाने के लिए अभी लोगों के लिए दूर दूर से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से तहसील में आना पड़ता है। और तहसील में आने के बाद में, गवाही के बाद में, डिस्कशन के बाद में उस पर निर्णय होता है। लेकिन साइबर तहसील बन जाने के बाद में उस व्यक्ति को अविवादित नामांतरण के लिए अब कहीं भी बैठ कर वो कर सकता है। उसको तहसील में स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शुरुआत हम कर रहे हैं और जैसे ही हमारा इन चार जिलों में सफल हो जाएगा, इसके बाद में हम पूरे मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की घोषणा करेंगे और साइबर तहसील की शुरुआत हो जाएगी। ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा कदम है और हमारी जो शुरुआत है, अनेक प्रदेश के लोग यहाँ देखने आ रहे हैं कि इस प्रकार से साइबर तहसील कैसे मध्य प्रदेश चला रहा है। मुझे लगता है कई प्रदेश के लोग भी हमारा अनुसरण करने वाले हैं। इन जिलों की सभी तहसीलें कवर होंगी इसमें? अभी हमने पहले 3 जिले लिए थे, अब हम इंदौर, हरदा, डिंडोरी और सागर को ले रहे हैं। इसके बाद में हम 6 महीने का इंतजार करेंगे। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने महाकाल लोक को लेकर चल रही श्रेय की सियासत पर कहा कि कांग्रेस को पका पकाया खाने की आदत है। महाकाल लोक भव्य बन रहा है। 700 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने स्वीकृत किए हैं। धर्म प्रेमी और जनता खुश है तो कांग्रेस को दर्द हो रहा है। हर बड़े धार्मिक स्थल का विकास भाजपा ने किया है। इसके बाद में हम सारे मध्य प्रदेश में एक साथ शुरू कर देंगे। ये सर कॉरिडोर को लेकर बहुत सियासत हो रही है। कमल जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में फैसला लिया गया था, आप तो उस वक्त सरकार में थे, क्या सच्चाई है उसकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ में क्या परेशानी है कि जब सब पक जाता है तो पका पकाया खाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार हो जाते हैं। अब वो देख रहे हैं कि महाकाल का जो कॉरिडोर बन रहा है इतना भव्य बन रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं 11 तारीख को आ रहे हैं और जो 700 करोड़ रुपया की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की है, कैबिनेट निर्णय लिया, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैसा स्वीकृत किया है, उस राशि को, 700 करोड़ की राशि को समर्पित महाकाल के चरणों में हम लोगों ने की काम लगा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 तारीख को उसका विधिवत उद्घाटन भी करने आ रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माहौल बना, लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया आई, धर्म प्रेमी खुश हुए तो कांग्रेस जागी तो ट्विटर शुरू किया, ट्विटर पर लिखना शुरू किया, हमने किया। अरे भाई, आपने किया तो आप पहले क्यों आगे नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जितने भी हमारे बड़े बड़े धर्म स्थल हैं, चाहे अयोध्या की बात करें, अयोध्या में भी 500 साल पुराना विवाद अगर निपटा तो मोदी जी की सरकार में निपटा। काशी में कॉरिडोर बन रहा है तो मोदी जी के प्रयास से बन रहा है। मध्य प्रदेश में कॉरिडोर बन रहा है तो मोदी जी के आशीर्वाद से, मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास से बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने पूरे देश में जितने हमारे धर्म प्रेमी हैं, जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनका जीर्णोद्धार किया, उनको नए सिरे से बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी याद रखेगी कि कोई धर्मस्थलों करने को कर धर्मस्थलों के का काम करने वाली कोई सरकार थी।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।